नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस में। द ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्टेशन हाल ही में संपन्न कोप 28 समिट में द ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्टेशन पर ढांचे को अपनाने की सहमति बनी है। द ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्टेशन क्या है? इसे वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7.1 के तहत एक सामूहिक प्रतिबद्धता के रूप में अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया की अनुकूली क्षमता को बढ़ाना, लचीलेपन को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को कम करना है। इसके बाद शर्म अल शेख में UNFCCC में COP 27 में देशों ने अंततः अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य यानी GGA प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा की स्थापना पर निर्णय लिया गया। GGA पर वर्तमान मसौदा विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को उनके अनुकूलन प्रयासों में मदद करने के लिए वित्त जुटाने को बढ़ाने की बात करता है, लेकिन समग्र वित्त प्रावधान पैमाने और दायरे के मामले में काफ़ी कमजोर प्रतीत होते हैं। इसने केवल विकसित देशों से शमन और अनुकूलन के बीच संतुलन हासिल करने के लिए विकासशील देशों को 2019 के स्तर से 2025 तक अनुकूलन के लिए जलवायु वित्त के अपने सामूहिक प्रावधान को कम से कम दुगुना करने का आग्रह किया, जो कि आसान नहीं है। हालांकि भारत पहले से ही जलवायु परिवर्तन पर अपनी राष्ट्रीय योजना के हिस्से के रूप में कई अनुकूलन उपाय कर रहा है, लेकिन इसे 2023-24 आधार वर्ष पर वर्ष 2030 तक अकेले अनुकूलन के लिए 57 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जो बहुत बड़ी रकम है। GGA कार्यान्वयन में चुनौतियां क्या है? इसके अंतर्गत 2027 तक सभी पक्षों को जोखिम में कमी के लिए बहुत खतरा, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु सूचना सेवाएं और बेहतर जलवायु संबंधित डेटा, सूचना और सेवाओं का समर्थन करने के लिए व्यवस्थित अवलोकन स्थापित करना होगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु का उत्तर दिया जाना बाकी है कि क्या यह अनुकूलन को आगे बढ़ाएगा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों यानी कि MDG के अनुभवों की व्यापक समीक्षा में पाया गया कि विश्व स्तर पर सहमत लक्ष्य वैश्विक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। वैश्विक लक्ष्य के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्रभावशाली कारकों के रूप में पर्याप्त समर्थन के साथ साथ प्रशासनिक क्षमता और आर्थिक विकास सहित राष्ट्रीय स्थितियों की पहचान की गई है। इसमें शामिल सभी पार्टियों ने 2030 तक राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं, नीतियों और रणनीतियों के कार्यान्वयन में प्रगति की तो है, लेकिन इसका उत्तर देना बहुत आसान नहीं है कि अनुकूलन पर प्रगति हुई है या नहीं।